वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। उमर, ये जो भी आपने रिसेंटली जो ऑस्कर्स हुए हैं उसके ऊपर किसको आपने रिसेप्ट किया था? रिसेंटली 2010 में सुजाना रीड जो बीबीसी की प्रेजेंटर थी, ऑलमोस्ट आधा दिन ऑन स्क्रीन थी वेयरिंग माय ड्रेस, तो मेरे लिए तो वो एक ड्रीम कम ट्रू भी था। और पाकिस्तान, यार, आप पाकिस्तान में क्यों नहीं, इतने अवार्ड शोज होते हैं वहां पे, आप किसी को नहीं करते? जो मेरे कट से वेस्टर्न, वैसे अब तो पाकिस्तान, अब बहुत तो पाकिस्तान में यार इतना वेस्टर्न कट पहनते हैं लोग। जी बिल्कुल, मुझे खुशी होगी अगर मैं किसी लोकल सेलिब्रिटी को भी यहाँ पे करूँ। आपकी नजर में है कोई सेलिब्रिटी ऐसे जिसको आप करना चाहेंगे? सलम सईद। सलम सईद? जी जी। बड़ा आपने टारगेटेड सोची हुई है, मतलब खवातीन जो उनके अलावा कोई नाम नहीं लेते। नहीं, एक तो बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं है लोकल सेलिब्रिटीज का, लेकिन सलम सईद का एक्सपोजर कैसे है आपको? बहुत एलिगेंट है और म्यूचुअल फ्रेंड्स की वजह से, आई नो हर। तो अच्छा, तो म्यूचुअल फ्रेंड्स के आपकी लिस्ट पे अगर ना हो तो वो बंदा आपसे कपड़ों की उम्मीद? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल रख सकते हैं जी। मर्दों के अंदर भी कोई है? मैं मेंस वेयर करता हूं, इसे वेमेंस वेयर करता हूं। अगर करना पड़ जाए मजबूरी में तो किसके लिए करना चाहेंगे? निकाल जुल्फिकार। निकाल जुल्फिकार, चले शुक्र है, कोई तो एक हमारा जानने वाला भी आया। तो और अगर कोई लोकल पॉलिटिशियन हो मेंस वेयर तो किसका? शफकत महमूद। शफकत महमूद साहब का? ये कोई खास वजह इसकी? एक तो मेरे टीचर रह चुके हैं। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट वो काफी मस्त है, डिसेंट और एलिगेंट इंसान है। और कौन कौन से फेमस लोगों को आप कर चुके हैं वेस्ट के अंदर? सिंगर्स हैं जिनके अंदर जॉर्डन है, मिस यूनाइटेड किंगडम है एमी का है, उन्होंने जब रिप्रेजेंट किया था यूनाइटेड किंगडम को, वो मेरा गाउन उन्होंने पहना हुआ था। और जो मिस यूके जो थी उन्होंने आपका इंतखाब किया, तो बाकी यूके के डिजाइनर जो थे वो कहाँ गए हुए थे उस वक्त? मेरी लक थी या दुआएं थी आप सबकी? मैं तो सारा नहीं, हमारी तो नहीं हो सकती। हम तो नहीं करते सारे पाकिस्तान की थी। तो आम, मतलब आम फैम बता रहे हैं कि लोग बड़ा कंजूसी दिखाते हैं इस तरह के मामले में। वेल, वो जो एमी गाय साहिबा है, जब उन्होंने उनको दिखाया गया सर्टन शॉर्टलिस्ट करके डिजाइनर्स और उनके गाउंस, तो मेरा ख्याल उनको जो चीज अपील की थी वो ये कि इसमें फ्यूजन था डिजाइन का, कि वेस्टर्न कट था और उस पर पाकिस्तानी तर्ज की एम्ब्रॉयडरी थी, तो उनको अट्रैक्ट किया, उन्हें लगा कि अगर वो ये पहन के जाएंगे रैंप पे तो जाहिर है प्रॉब्लम। वैसे तो मुसरत साहब बड़ी माशाल्लाह खुश लिबास हैं, तो हाँ, तो इनके लिए कुछ करना चाहेंगे आप? बिल्कुल करूंगा जी, व्हाई नॉट। सेन दास जी, थैंक यू ब्रदर। इनके लिए उधर धरना कर दे। वैसे आप शादियों के जोड़े तो बहुत आपने बनाए होंगे, यू नो, फॉर पीपल लिविंग अब्रॉड एज वेल एंड देन पीपल इन पाकिस्तान एज वेल, तो अपनी शादी का जोड़ा आप किससे बनवाना चाहेंगे? मेरे फेवरेट डिजाइनर है जुबैर कुमन, वो नीपुन हाल के नाम से करते थे। जी 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 बिल्कुल, मैं उनसे बनवाना चाहूंगा। और कोई आपका इंटरनेशनली अभी और यू वर्किंग ऑन समथिंग जो कि भी आने वाली हो? जी, रिसेंटली मैंने चाइना में एक शोकेस किया था, वन रूट वन वे प्रोजेक्ट की ओपनिंग थी, उसके ऊपर बहुत बड़ी मार्केट है, मैं चाहूंगा चाइना के लिए सेपरेट कलेक्शन एंड एज वेल एज पाकिस्तान के लिए बाद में नई कलेक्शन। यानी कि आप लोगों ने भी चाइना के ऊपर काम करना शुरू कर दिया? जी बिल्कुल, जैसे चाइना ने आप पे शुरू किया, हमने चाइना पे शुरू किया। आप कपड़े के ऊपर चिकन चाउमी बना लेते हैं? हंस के ना घर करो, गल दसो। नहीं नहीं, अभी तक नहीं। चिकन बना सकते हैं, चिकन कशीदा कारी वाली, चाउमीन के बगैर। दो मिल के ना साड़ा सी पैक कैंसिल करा दे। डेलीगेशन का मतलब होता वफद। पाकिस्तान इतने वफद आ रहे हैं, कोई भी वफूद आए वो सबसे पहले पूछते हैं कि मियां अफजलफ निर्गोली हमारी सिक्योरिटी करेगा कि नहीं। अल्लाह का करना कैसा है, कभी कभी मैं सोचता हूँ, कभी मैं सोचता हूं कि एक किने वफूद मैंने जान दे होंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र भी अदा करना। माशाला उमर गुल साहब अपना मंसूर मलंगी साहब, अपना उमर मंसूर मलंगी तो नहीं, उमर मंसूर साहब। बिल्कुल या मेरे अल्लाह, वही ना, ये तो ये मैं खुशी का इजहार कर रहा हूँ। माशाल्लाह भाई, ये मैं जानता हूँ इनको, ये बहुत बड़े फैशन डिजाइनर है। बिल्कुल यार, यूके में एक दफा मैंने देखा था इनका कोई पीरो की राम चल रहा था, और उसमें बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी है यार, मेरा दिल था मैं कभी इनसे मिलूं। अच्छा, बाजी और भी नाल ही कपड़े सीने। वो डिजाइनर नहीं है? माशाल्लाह, मुसरत शहीन साहब, शफकत चीमा साहब अभी नहीं, शफकत चीमा ते बंदा मुसरत मिसबा साहबा ते माशाल्लाह। मैंने हूं याद आया कौन है, कौन है? ओ सॉरी सॉरी, मुझे याद आया, आपने मुझे मशवरा दिया पीटीआई। यस हाँ, मुसरत जमशेद दस्ती साहब।
نہیں مسرت نہیں مسرت مسرت جمشید انصاری صاحب تے ہو ہی نہیں سکدے او تے فوت ہو گئے نے مسرت جمشید چیما چاچا ہوش کر ڈی جے نو چوہا کہہ رہا میں کہہ رہی ہوں ایان علی والی یونیفارم اس کو دے دے یاد کرا دیتا ہے یہ کیا کہہ دیا آپ نے اللہ اکبر میری زندگی دا حسین ترین دور جڑا گزرا نا جی میری زندگی کا حسین ترین وہ دور تھا کون سا جب ایان علی صاحبہ کے ساتھ میری ڈیوٹی لگی میرے سے اتنا پیار کرتی تھی مجھے 24 گھنٹے فون کرنا مجھے ہلکے ہلکے سٹیپ سکھانا مجھے سائیکلنگ سکھاتی تھی اتنی اچھی تھی نا باجی ایان علی وہ چلی نہیں تو تمہیں جاتے ہوئے فون وون نہیں کیا انہوں نے لو دسو مینو 200 روپے دے کے گئے ادھر کے ڈالر ہیز بن ڈالر یا درم ہاں درم پہلے دیتے سن پھر ڈالر دنیا کی ہر کرنسی وہ کول نہیں نالے آسان ہی بڑا دے انہیں بھرتی کروایا ہاں بالکل تہاڈے گھر بھی تو بھرتی پوائی سی اوکے سی یو جی میں عمر گول صاحب نال اپنا عمر نذیر بڑا صاحب نال منصور ہاں منصور بلوچ صاحب نال اپنا سیلفی بنا لوا تاکہ زندگی میں یادگار ہوتی ہے اے سر تسی بناوا سر تے مینوں کوئی ایڈا ایکسپیرینس نہیں ہے یہ لے گھر بھی نہیں جاتا دیکھو جو اس کی شکل تو لگتا ہے وہ معصوم کھاتا ہے بڑی مار گھر بھی نہیں جاتا بی بی سے سنا ہوگی یا پھر جنگ رہے گی وہ شخص کوئی فیصلہ کر بھی نہیں پاتا برا بدے منصور صاحب ماشاءاللہ واہ 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 یہ بڑی تہاڈی گڈ لا کے کہ تسی ڈیزائنر بن گئے اچھا ہاں نہیں تے تہاڈے ورگے بندے 1500 لے کے تے میٹر پیچھے کر جاندے